हाय फ्रेंड, चलिए आज हम देखते हैं टीचर्स डे। 5 सितंबर को जो हम टीचर्स डे मनाते हैं एवरी ईयर, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और इस समय जो मनाते हैं क्या विशेष इसमें ओकेजन होता है उसको हम देखते हैं। क्योंकि वर्ल्ड में भी वर्ल्ड टीचर्स डे होता है वो 5 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस, और भारत में हम जानते हैं 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने जब हम बात करते हैं मनाने का, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जरूर हम याद करते हैं, क्योंकि इनके जन्मदिन के नाम से ही 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। अब ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन हम जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यही सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये राष्ट्रपति भी बने, 2 लगातार उपराष्ट्रपति पहले बने, 13 मई 1952 से लेके 12 मई 1962 तक ये उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद ये राष्ट्रपति बने, और भारत का दार्शनिक राष्ट्रपति इनको कहा जाता है। चूंकि इनको उपनिषदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, ये बहुत ही महान जो थे शिक्षाविद, दार्शनिक, वक्ता भी थे। चूंकि इन्होंने 40 वर्ष तक अपना योगदान टीचर्स के रूप में दिया था। चूंकि इन्होंने, ये तो वास्तव में नाम से पता चल रहा है कि ये तमिलनाडु, तमिल वर्ड जैसा लग रहा है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये इनका जन्म जो है, हम इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, इनका जन्म तिरुतनी तमिलनाडु में हुआ था, चेन्नई से 80 किलोमीटर। उस समय वो वैसे आंध्रा में पढ़ते थे जब इनका जन्म हुआ था 1888 में, लेकिन वर्तमान में जो तिरुतनी है वो अभी तिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। वैसे देखिए, एक चीज और याद रखना है कि तमिलनाडु का दूसरा एक अब्दुल कलाम जो साहब थे वो रामेश्वरम से थे, और वो महान वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। और इनका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि राधा कृष्णन जो थे ये दार्शनिक राष्ट्रपति थे, इनको उपनिषद पुराण का बहुत ही नॉलेज था। चलिए, इसका जो जन्म हुआ था आप 5 सितंबर 1888 को तिरुतनी में, और इसके पिता जो थे सर्वपल्ली विरास निया थे, वो जो अंग्रेज जो थे, अंग्रेज के अंदर एक राजस्व कर्मचारी थे इनके पिता। माता जो थी सीता अम्मा, वो हाउसवाइफ थी। और ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये बचपन से ही बहुत ही पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा प्रयत्नशील थे, और इसने जो है राधाकृष्णन ने बचपन की पढ़ाई तिरुतनी में की, और ये आगे की पढ़ाई चेन्नई के रेसिडेंशियल कॉलेज जो है उसमें पढ़ाई किया। बाद में वही रेसिडेंशियल कॉलेज में ये प्राध्यापक और बाद में वहाँ का प्रिंसिपल भी बना। इन्होंने 40 साल तक पढ़ाई में शिक्षक के रूप में योगदान दिया, इसलिए इसको टीचर्स के रूप में इनको याद करने के लिए। जब ये 1962 से, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम जो है टीचर्स डे कब से मनाना शुरू किए, तो 1962 से टीचर्स डे शुरू हुआ, और वर्ल्ड टीचर्स डे जो होता है विश्व शिक्षक दिवस 1994 से शुरू हुआ है। तो ये जो हम देख रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ये जब उपराष्ट्रपति नहीं बने थे तो पहले जो ये रूस जो है, रूस में इन्होंने कुछ दिन काम किया, लगभग 1952 तक ये जो है वहाँ के राजदूत, भारत का राजदूत रूस में थे। बाद में यहाँ आए और 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने और 1 बार राष्ट्रपति बने। चलिए, और इनको जो है 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया, पहला भारत रत्न प्राप्त करने वाला क्वेश्चन भी आता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चूंकि ये पुस्तक जैसे हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द प्रिंसिपल ऑफ उपनिषदा, इंडियन फिलॉसफी, ये सब इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और इनको याद रखना है। चलिए, आप जो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात हम करते हैं तो हमें याद आती है एक कहानी की, कि आप अगर टीचर मान लीजिए आपको नहीं है और आप सेल्फ कंपटीशन या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप विनर नहीं हो सकते। इसके लिए एक एग्जांपल है कि हस्तिनापुर में जब द्रोणाचार्य कौरव और पांडव को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, उसी समय एक भील जाति का एकलव्य वहां पहुंच गया और बोला कि गुरुदेव मुझे भी शिक्षा ग्रहण करना है। लेकिन द्रोणाचार्य सोचा कि ये तो कहां राजा और महाराजा का पुत्र, उसके साथ एक भील को कैसे हम शिक्षा एक साथ दे सकते हैं, उसने नकार दिया। तो वो वहां से सोच लिया कि अब हमको शिक्षा ग्रहण करना, वो उसी जगह से मुड़ गया और दूसरे जंगलों में, बगल के जंगलों में उसने ये द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बनाया और उसके सामने ये प्रयास करने लगा, और ये बहुत बड़ा प्रयास जो है इसका सफल रहा।
एक दिन इसी तरह जो है कौरव और पांडव घूमने जा रहे थे तो एक कुत्ता उसके साथ था, साथ में मतलब एक कुत्ता लेके जा रहा था, तो अचानक ये भौं भौं आवाज कर रहा था कुत्ता, तो एकलव्य को डिस्टर्ब हो रहा था उसको धनुर्विद्या सीखने में, तो वो ऐसा एक बाण मारा कि कुत्ते के मुंह में इस तरह लॉक हो गया कि बाण उसके शरीर में गया भी नहीं और जो है उसका मुंह बंद हो गया। उसके बाद जब ये कौरव और पांडव देखा तो सब हंसने लगा, लेकिन अर्जुन तो उसमें बहुत ही धनुर्विद्या उसके पास तो बहुत ज्ञान था, उसने बोला ऐसा कौन आदमी है जो कि मुंह सिर्फ बंद है और उसको कुत्ता को कुछ हुआ भी नहीं है, तो वो ढूंढने लगा। इस तरह द्रोणाचार्य और पांडव सब ढूंढने लगा तो देखा वहाँ एकलव्य जो है वो अपना प्रैक्टिस कर रहा था, तो फिर द्रोणाचार्य मन में सोचा कि मैंने प्रण लिया है कि ये धनुर जो है धनुर्विद्या में महारथी जो होगा सिर्फ अर्जुन ही होगा, इसलिए द्रोणाचार्य ने बोला कि तुम मुझे जो है गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा ही दे दो। तो वो कुछ नहीं सोचा, उसने सोचा कि मैंने तो इसी से सीखा है, तो इस तरह मेरा यही कहना है कि टीचर जो है आप टीचर का नाम लेके या मन में रख के भी आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप विन हो सकते हैं। थैंक यू।